माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे बीच योगेंद्र उपाध्याय जी और हमारे युवा नेता माननीय श्री सुप्रीत जी हैं। मैं इनका और आप सब लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के वरिष्ठ कैंप के बीच में है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सुप्रीत सिंह चौहान जी जो युवा नेता हैं हम लोगों के चाहते हैं, वो भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं विनती करती हूँ मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री भूना उपाध्याय जी को कि आप अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियां इस स्वागत में अपना सहयोग दे सकती हैं। आप भरपूर तालियां कब है, मैं फिर से कहूंगी एक बार पूरा सदन भरपूर तालियां। आवाज नहीं आई जयंती के अवसर पर के उपलक्ष में निकाली गई शोभा यात्रा के माननीय अध्यक्ष सनी बहरे जी, मंच पर आसीन कैलाश मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, आगरा की एक धरोहर है, पौराणिक स्थल है, वहां के माननीय महंत श्रद्धे निर्मल गिरी जी महाराज, मेरे छोटे भाई और इस क्षेत्र के नेता सुग्रीव सिंह जी, कटारा जी, पंकजा जी, सम्मानित मंच, मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने जो बुजुर्ग यहां पर हैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। परशुराम जी के को हमने अपना इष्ट माना। इष्ट क्यों माना? छठे अवतार हैं, कई अवतार हुए, तो अवतारों का यदि हम अध्ययन करें बारीकी के साथ तो अवतार विकासवाद की ओर बढ़ा है। ईश्वर का अवतार भी, पहला अवतार ईश्वर ने लिया मत्स्य अवतार के रूप में, जो जलचर था, पानी में जीवित रहती है मछली, बाहर आते ही मृत हो जाती है, जीवन छोड़ देती है। पहला अवतार मत्स्य अवतार था, फिर विकास की ओर दूसरा अवतार बढ़ा, कच्छपा अवतार के रूप में ईश्वर आए। वह भी जलचर था, उत्पत्ति उसकी जल में होती थी लेकिन थल पर आने पर मरता नहीं था, यह विकासवाद का एक चरण था। तीसरा अवतार हुए वरहा अवतार। वरहा अवतार थलचर था, थल में उत्पत्ति थी लेकिन जल में जा सकता था और जल से ही पृथ्वी को लेकर ऊपर आए थे, हम सब जानते हैं। यह विकासवाद का तीसरा चरण। चौथा चरण अवतार में नरसिंह अवतार के रूप में हुआ, यानी अब तक के जो अवतार थे वो पशु थे, ये अर्ध पशु अर्ध नर के रूप में नरसिंह अवतार आए। यह विकासवाद का अगला चरण हुआ अवतार। उसके बाद वामन अवतार के रूप में ईश्वर आए इस धरती पर, वामन अंगुल के पुरुष के रूप में,
यानी पूर्ण परशुराम जी के बारे में नैतिक बल हमारा सबसे बड़ा बल है। अगर हम उस नैतिक बल को खो देंगे ना तो समाज कुछ कह पाएंगे कुछ, ना समाज से कुछ ले पाएंगे। अरे परशुराम जी जब पहुंचते हैं, शिव जी का धनुष टूटता है जनक के दरबार में, अक्रोधित है वो, क्यों शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे चाहिए सब राजा। ये चुनौती परशुराम दे सकते हैं, कोई ब्राह्मण दे सकता? सोचिए जरा, जितने कितने राजा आए थे वहां पर स्वयंवर में, और कोई राजा 500-700 लोगों से कम लेके नहीं आया होगा अपने सेना को, लेकिन एक व्यक्ति चुनौती देता है, उस अकेले आदमी को बाहर करो ना तो सब राजा मारे जाएंगे। ये धर्म मन दे सकता है क्योंकि सुंदर नैतिक बल है, उसके अंदर आधार का बल है, उसके अंदर संस्कार का बल है। तो ये हमें बल खोना नहीं चाहिए, हमारी धाती है, ये हमारी चिति है, ये हमारी प्रकृति है। और जब मूल चिति और प्रकृति से व्यक्ति अलग होता है तब उसकी असलियत जो होती है वह खो देता है। तो हम सबको चाहिए कि अपनी चिति को प्रकृति को बनाए रखें, अपने आने वाली संतति को संस्कार दे के रखें, तो कुसंस्कार ना आए, जो ना जिनके ना होने से ब्राह्मण पूजा जाता है, जिनके ना होने से उसको नमन किया जाता है, जिनको कुसंस्कारों के ना होने से हमारे अंदर हमको वंदनी समझा जाता है, तो वो नहीं आने चाहिए। लोकतंत्र का जमाना है मित्रों, ये पहले शक्ति की पूजा होती थी, आज वोटों में शक्ति है। सबसे बड़ा हथियार वोट है, हमें संगठित भी होना होगा। और संगठित किसके लिए, विषय यह है, क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा राष्ट्र निर्माण किया है, ब्राह्मण ने कभी वो नहीं किया जाति निर्माण किया हो या कुछ और निर्माण किया हो, राष्ट्र के निर्माण में समर्पित रहा है ब्राह्मण, चाहे उसने चाणक्य ने उसको चंद्रगुप्त को बैठाया हो, चाहे पुन्ना पंडित ने हैदर अली को बैठाया हो, चाहे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को बैठाया हो सत्ता पर। हमारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगे। जानते रहता था।